हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वन सेकेंड टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। क्लास टेंथ सोशल साइंस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ और भी सैम्पल पेपर का हमने सॉल्यूशन कर रखा है, जैसे कि मैथ्स बेसिक सैम्पल पेपर, स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर, साइंस सैम्पल पेपर, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो ट्राइबल पीजेंट थे उन्होंने महात्मा गांधी का जो मैसेज था आइडिया ऑफ स्वराज को एक अनदर वे में लिया और उसके बेसिस पे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट वे में पार्टिसिपेट किया, तो हमें इसी पॉइंट को जस्टिफाई करना है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आइए कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। हालांकि ये जो मैंने आंसर लिया है वो मार्किंग स्कीम से ही लिया है, तो चलिए आंसर देखते हैं। नंबर वन में था कि जो आपने गोरिल्ला मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि गोदन हिल से स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश के, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर। यानी कि जो मेनली स्टार्ट हुआ था वो गोदन हिल से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये मैपिंग वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि गोदिना हिल्स दे देगा, है ना, और आपसे पूछ देगा ये कहां पे है। तो आपको जो प्लेस दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसको आपको लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो थे वो कॉलोनियल पॉलिसी, यानी कि कॉलोनियल पॉलिसी यानी कि ब्रिटिश पॉलिसी, कॉलोनियल हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे ऊपर रूल होता है उसके हम कॉलोनी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो थे कॉलोनियल पॉलिसी जो थे वो उसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। थर्ड पॉइंट है, देयर लिवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वेयर डिनाइड। उनका जो लिवलीहुड था इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। हालांकि ऑल ओवर इंडिया का ही लिवलीहुड इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कॉलोनियल रूल से, लेकिन इन्होंने वो अपने फॉर्म में लिया था और उसके बेसिस पे इन्होंने लड़ाई जो था, इन्होंने जो वॉर था उसको स्टार्ट किया था, और इसके साथ साथ ये ट्रेडिशनल राइट के लिए भी अपने आप को लड़ाई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी पॉइंट नंबर 4 है, देयर लीडर्स अल्लूरी सीताराम राजू। इनके जो लीडर थे दैट इज अल्लूरी सीताराम राजू, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में या फिर चैप्टर नंबर जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो इनके जो लीडर थे यानी कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उनके जो लीडर थे दैट इज अल्लूरी सीताराम राजू, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने भी जो विदेशी कपड़े थे उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और खादी के कपड़ों को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना शुरू कर दिया और सबसे पीपल से डिमांड भी करते थे कि आप खादी को ही पहनिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 है, ये जो है वो लिबरेशन चाहते थे लेकिन बाय द यूज ऑफ फोर्स, यानी कि वो फोर्स के थ्रू और लिबरेशन को चाहते थे। यानी कि इनका कोई वैसा नहीं था कि हमें नॉर्मल तरीके से हमें लिबरेशन चाहिए, इन्होंने बोला कि फोर्स के थ्रू हम लोग लिबरेशन ले सकते हैं। हालांकि हमें केवल 3 पॉइंट्स में ही लिखना है क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, तो 3 रिलेवेंट पॉइंट्स को हमें लिखना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अगर किसी टाइप्स का किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है, वन शॉर्ट वीडियो सॉल्यूशन बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स के अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।